हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, टैली प्राइम सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूँ। टैली प्राइम यूजर्स, अगर आप बिगिनर हैं तो आपको हमेशा एक दिक्कत होती रहेगी। अब दिक्कतें क्या हैं, मेरे को परसों कमेंट आया हुआ था एक लोगों का, जिन्होंने कहा था कि मैं डेट चेंज नहीं कर पा रहा हूँ, फाइनेंशियल ईयर चेंज नहीं कर पा रहा हूँ। तो ऐसी दिक्कत क्यों आपको आएगी? कभी कभी दिखा रहा है कि डेट कैन नॉट बी बिलो द फाइनेंशियल ईयर, कभी कभी डेट दिखा रहा है कि डेट कैन नॉट बी अबव द फाइनेंशियल ईयर। तो ऐसी सिचुएशन जब आती है, और कभी कभी लेजर ही नहीं शो करते, मैं बना रहा हूं लेकिन फिर भी लेजर शो नहीं कर रहा है, तो इसके पीछे की वजह क्या है और इसका सोल्यूशन क्या है, सब कुछ आज के इस वीडियो में बताऊंगा। तो ध्यान से देखिए और आई होप कि आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी देखने के बाद, ठीक है। तो सबसे पहले तो न्यू कंपनी बनाना है, तो F3 आपको टैली प्राइम में प्रेस करना चाहिए और फिर आना चाहिए क्रिएट कंपनी पर और एंटर कर देना चाहिए। तो एंटर जैसे ही करते हैं तो एक फॉर्म खुलेगा और उसी फॉर्म को आपको फिलअप करना होगा, तो आपकी कंपनी बन जाएगी और आपकी कंपनी यहां पर सेव होगी। ये देखिए, ये बाय डिफॉल्ट जो पाथ दिया गया है ऊपर, इसी पाथ पर आपकी कंपनी सेव होगी, ठीक है। तो यहां पर मैं कंपनी का नाम दे देता हूं, गीता वाटिका, ये कंपनी का नाम है, ठीक है, गीता वाटिका करेंगे। ये हो गया, एंटर किया और यहां पर आएगा आपका एड्रेस, जो भी आपके कंपनी का एड्रेस हो वो यहां पर आएगा। अब यहां पर आपका स्टेट आता है, तो यहां पर आप स्टेट डाल दीजिए इस तरीके से, और यहां पर आपका जो भी लोकल एरिया का पिन कोड होता हो वो पिन कोड आप डाल सकते हैं। एंटर एंटर करके यहां पर आते हैं, मान लीजिए हम काम शुरू करना चाहते हैं 2/5/2023 से, मान लीजिए काम शुरू करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, इसे एक्सेप्ट करा लेंगे, ठीक है। बाकी हमें GST चालू करना है, तो GST चालू करने के लिए यहां पर आकर के हमें यस करना होगा ये चीज, ठीक है। तो ये यस करेंगे और यस करते ही ये विंडो ओपन होगी और यहाँ पर रेगुलर रखना है आपको, और एंटर करके यहाँ पर आपको अपना GST IN नंबर जो भी आपका बनता हो वो GST IN नंबर वगैरह टाइप कर दीजिएगा और एंटर करके नीचे आइएगा, यहाँ पर यस रखिएगा। और यहाँ पर जैसे ही आप यस रखेंगे और नीचे आएंगे तो यहाँ पर तीन ऑप्शन आपको मिलेंगे, पहला अननोन, दूसरा एग्जेम्प्टेड, तीसरा निलेट, और चौथा है टैक्सेबल। तो ये आपको टैक्सेबल ही रखना है और यहाँ पे डिफॉल्ट टैक्स 12% का मैं लगा देता हूँ, अगर जरूरत पड़ी तो उसे चेंज भी करेंगे हम, ठीक है। एंटर करके इसे एक्सेप्ट करा लेंगे, कंट्रोल ए करेंगे तो ये सब कुछ एक ही बार में एक्सेप्ट हो जाएगा। अब ये गीता वाटिका नाम से हमारा एक कंपनी बन गया है, अब इसके अंदर एंट्रीज पास करनी है। तो होता क्या है कि आपको ये भी पता है कि पहली एंट्री हम रिसिप्ट वाउचर में पैसा रिसीव कराते हैं, तो रिसिप्ट वाउचर के लिए क्या प्रेस करते हैं, आप F6 प्रेस करते हैं और यहाँ पर आपको क्रेडिट नजर ही आ रहा होता है, तो यहाँ पर एंटर करके आप सीधा कैपिटल अकाउंट का लेजर लगाते हैं इस तरीके से। ये लिखा कैपिटल और फिर यहाँ E/C अकाउंट करते हैं। इससे भी पहले यहाँ पर आप कभी कभी क्या होता है कि डेट चेंज करना भूल जाते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर तो आपको 2 मई 2023 दिखाई पड़ा है, लेकिन कभी कभी कंडीशन में क्या होता है यहाँ पे 1 अप्रैल ही रह जाता है, ये 1 अप्रैल 2023 ही रह जाता है। तो ऐसे में जब आप यहाँ पर 1 अप्रैल या फिर आप क्या करते हैं 1 अप्रैल के ही डेट में एंट्री पास करने की कोशिश करना शुरू कर देते हैं, यानी आपको ये लगता है कि क्यों नहीं 1 अप्रैल के डेट में हो रहा है, और आपसे ये भी हो सकता है कि गलती से जो है वहां 2 मई टाइप हो गया हो, यानी बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम में अगर आपने गलती से 2 मई टाइप कर दिया तो भी ये दिक्कत आएगी, तो लिखा हुआ आएगा डेट कैन नॉट बी बिलो द फाइनेंशियल ईयर, तो आपको लगता है कि हमें फाइनेंशियल ईयर बदल देना चाहिए। तो ऐसे में आप क्या करते हैं 1/4/2024 करते हैं, तो फिर यहाँ पे लिख के आना शुरू हो जाता है द डेट कैन नॉट बी अबव द करेंट पीरियड। तो अभी आप बहुत प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, आप सोचते हैं कहाँ गलती हो गई, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो फिर ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए, तो आपको सबसे पहले तो अपना बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम चेक करना चाहिए। अगर आपको बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम नहीं समझ में आ रहा है कहाँ से देखें, तो यहाँ से पहले बाहर आ जाइएगा और ये टैली की मेन मेन्यू है, यहाँ पर आ जाइएगा और यहाँ पर आते ही आपको क्या करना है F3 प्रेस करना है और F3 प्रेस करके आ जाना है अल्टर कंपनी पर। ये आपकी अल्टर कंपनी है और ये हमारी कंपनी का नाम है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बुक बिगिनिंग फ्रॉम, ये डेट क्या पड़ी हुई है 2 मई 2023, तो इसी डेट पे ये एंट्री पास होगी, ठीक है। तो अगर आपके में ऐसी दिक्कत आ रही है तो इसे सही कर लीजिए और सही डेट पर एंट्री पास करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा, कभी कभी जरूरत पड़ती है फाइनेंशियल ईयर चेंज करने की सेम कंपनी में, तो आपको अल्ट के साथ F2 प्रेस करना है, तो ये फाइनेंशियल ईयर चेंज वाली जो विंडो है ये ओपन हो जाती है 1/4/2024 से लेकर 31/3/2025, इस तरीके से आप फाइनेंशियल ईयर चेंज कर सकते हैं। तो देखिए अभी ये चेंज हो, तो इस तरीके से आप पीरियड यानी कि फाइनेंशियल ईयर भी चेंज कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं लेजर्स की, तो लेजर बनाने के लिए हम यहाँ क्रिएट पे जाएंगे और क्रिएट पे जाकर के और यहाँ लेजर पे आएंगे और लेजर पे आकर के यहाँ पर हम पहला लेजर
तो हमने बना ही लिया है कैपिटल अकाउंट, हमने बना लिया है, हम परचेज का लेजर बना लेते हैं, सेल्स का बना लेते हैं। तो ये परचेज कर लिया, PURCHASE परचेज अकाउंट हो गया, एंटर किया एंटर किया, यहाँ पी प्रेस करेंगे तो ये परचेज आ जाएगा, एंटर करेंगे एंटर करेंगे एंटर करेंगे एंटर करेंगे। और जल्दी जल्दी में आपने देखा ही नहीं या फिर आपको ये पता नहीं है कि परचेज अकाउंट का लेजर किस ग्रुप में बनता है, तो ऐसे में आपने गलती कर दी और फिर आपने उसे डाल दिया प्रोविजन में। और जब प्रोविजन में डाल देंगे तो जब आप लेजर लगाएंगे, जबकि आप सेल्स परचेज वाउचर में एंट्री पास करने जाएंगे, तो परचेज वाउचर के लिए आपको F9 प्रेस करना होता है। F9 प्रेस करके आएंगे यहाँ पर, और जब यहाँ पर एंट्री पास करेंगे सप्लायर का दिए हुए बिल का, तो यहाँ पर तो क्रेडिटर पार्टी का लेजर आएगा, तो यहाँ पे गौरव नाम दे देता हूँ, क्रेडिटर पार्टी हमारी एंटर करेंगे, और यहाँ पर इसका ग्रुप जो भी होता है वो डाल देंगे, ठीक है। और यहाँ पर भी अगर आप गलती कर देंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, तो यहाँ पर गलती ना कीजिएगा। संडी क्रेडिटर ग्रुप रहेगा, संडी क्रेडिटर पार्टी का ग्रुप हमेशा संडी क्रेडिटर ही होता है, ठीक है। संडी क्रेडिटर पार्टी वो पार्टी होती है जिससे कि आप होलसेल सामान खरीद के लाते हैं बेचने के लिए, ठीक है। एंटर करेंगे एंटर करेंगे एंटर करेंगे एंटर करेंगे एंटर करेंगे और एंटर करते हुए इसे एक्सेप्ट कराएंगे। और यहाँ पर अब देखिए, आपने तो परचेज का लेजर बनाया है लेकिन यहाँ पे परचेज का लेजर शो कर रहा है, परचेज का लेजर ही शो नहीं कर रहा है। अब देखिए कमाल, यहाँ ऑल्ट सी करके फिर आप बनाने के लिए चले जाते हैं, तो यहाँ आप लिखते हैं परचेज अकाउंट, और जैसे ही एंटर करते हैं तो यहाँ पे दिखाता है ऑलरेडी एग्जिस्ट, लेकिन जब आप बनाने जाते हैं तो यहाँ पे परचेज का लेजर ही नहीं है, यहाँ पर आपको शो होना चाहिए ना, लिस्ट ऑफ लेजर्स अकाउंट के अंदर तो शो होना चाहिए। तो ग्रुप आप अगर आप गलत कर देंगे तो बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी टैली के अंदर, तो आपको ग्रुप गलत नहीं करना है, बहुत ध्यान से काम करना है, ठीक है। लेकिन अब तो गलत हो गया, तो इसका सोल्यूशन क्या है, तो इसका सोल्यूशन ये है कि यहाँ से बाहर आ जाइए एस्केप बटन प्रेस करके, ठीक है। एस्केप बटन आपको लेफ्ट साइड में सबसे ऊपर मिल जाता है, ESC का बटन, ठीक है। और अब हमें चलना है अल्टर पर, तो ये अल्टर पे जाएंगे, ये वाले अल्टर पे जाएंगे जो गेटवे ऑफ टैली पे दिख रहा है, यहाँ से लेजर पे जाएंगे और अब आ जाएंगे परचेज अकाउंट के लेजर पे। तो देखिए यहाँ पे ग्रुप गलत कर दिया, प्रोविजन कर दिया, परचेज की जगह क्या कर दिया, प्रोविजन कर दिया, तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है, एंटर करके इसे एक्सेप्ट करा लीजिए। अब ये सही हो गया। अब तो यहाँ पे जैसे ही एंटर करके आते हैं, यहाँ पे सप्लायर का इनवॉइस नंबर आता है, यहाँ पे वो डेट आती है जिस डेट पे होगी परचेजिंग, और यहाँ पे जैसे ही नीचे आते हैं तो आपको दिखाई पड़ेगा ये गौरव सी यानी क्रेडिटर पार्टी का लेजर दिखाई पड़ेगा, तो आप लगा दीजिए, एंटर करिए एंटर करिए एंटर करिए। और अब बारी है परचेज का लेजर लगाने की, तो यहाँ पे देखिए अब परचेज का लेजर भी शो होने लगेगा। तो ये सारी गलतियां आप नहीं करेंगे तो आसानी के साथ एंट्रीज पास कर पाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि इसका सोल्यूशन आपको मिल गया होगा। जब भी आपको डेट चेंज करना है तो आप F2 प्रेस कर सकते हैं, तो डेट को चेंज करने के लिए हमेशा F2 प्रेस कीजिए इस तरीके से। अब यहाँ पर जो भी डेट चेंज करना हो आप चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। आप देख लीजिएगा कि आपने बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम क्या रखा है, इसके अलावा फाइनेंशियल ईयर क्या चल रहा है। ऐसा नहीं है कि 2022-23 चल रहा है फाइनेंशियल ईयर आपके कंपनी में यानी आपके टैली सॉफ्टवेयर में, तो वहां पर आप 25-26 की एंट्री कर लेंगे, 24-25 की एंट्री कर लेंगे, ऐसा नहीं है। फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग आपका डेट सही से चेंज हो जाएगा, आप जब भी आप चेंज करेंगे तो, ठीक है। और दूसरी बात की अगर आपने एजुकेशनल वर्जन एजुकेशनल मोड डाउनलोड किया है यानी एजुकेशनल मोड पे काम कर रहे हैं, तो एजुकेशनल मोड तो सिर्फ सीखने के लिए होता है, ठीक है। उसमें जो है 1 तारीख 2 तारीख या 30-31 के ही डेट में आप काम कर पाएंगे, अदर किसी डेट में काम नहीं कर पाएंगे। तो ये सब चीज़ें दिमाग में बैठा लीजिए और बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। और अगर कोई दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और दूसरी चीज़ अगर आप देवरिया से बिलोंग करते हैं, देवरिया सिटी से, तो आप हमारे इंस्टीट्यूट माँ शारदे इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर पर आ सकते हैं जो कि न्यू कॉलोनी में है, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर करें, और साथ ही कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।